हाय गाइस, आई वेलकम इन माय ट्यूब चैनल एस इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको ऑट टू पढ़ाने वाला हूँ। ऑट टू का हिंदी मतलब होता है चाहिए। इसको नैतिक कर्तव्य के लिए यूज करते हैं। नैतिक कर्तव्य किसे कहते हैं? नैतिक कर्तव्य उसे कहते हैं जो कार्य हमारे लिए ना होकर सभी के लिए होता है, उसको नैतिक कर्तव्य कहा जाता है। किस तरह से? जैसे देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, सभी के लिए। हमारे शहर को साफ रखना, शहर को साफ रखने का काम कोई एक व्यक्ति का नहीं है, वो सभी का है। सभी को साफ रखना चाहिए। हमें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना चाहिए, और सेवा करना सभी के लिए अनिवार्य। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं, जो एक के लिए ना होकर सभी के लिए होता है, ऐसे इस कंडीशन में यदि हमें चाहिए वर्ड सुनाई देता है तो हमें ओट टू से ट्रांसलेट करना है। तो इस वर्कन इंग्लिश में किस तरह से यूज करेंगे और डेली रूटीन में बोले जाने वाले सेंटेंस हम किस तरह से बोलेंगे ओट टू के, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला, किस तरह से इसको ट्रांसलेट करना है। तो पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है आपको ओट टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो ओट टू दोनों को अलग अलग कर देना। आउट के बाद नोट लगाना है, फिर टू लगाना है आपको। हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वी ओट टू हेल्प नीडी। हमें हमारे मित्रों की मदद करनी चाहिए। वी ओट टू हेल्प अवर फ्रेंड्स। हमें राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। वी ओट टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द नेशन। उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दे ऑट नॉट टू स्मोक। सभी को समय पर आना चाहिए। एवरीबडी ऑट टू कम इन टाइम। इस तरह से दोस्तों आप जो है ऑट टू के सेंटेंस बना पाएंगे। मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंस देता हूं जिनको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।